जय साईं राम। नमस्कार, मैं बिग बम सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। और आज आपको शुक्रवार का उपाय बताने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि जब शुक्रवार का दिन होता है उस दिन शुक्र की विशेष कृपा धरती की ओर प्रवाहित होती है। तो जब हम शुक्र के प्रति निष्ठावान हों या हम पर शुक्र की दशा किसी भी तरीके से चल रही हो, चाहे गोचर में हो, राशि से हो, दृष्टि से हो, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, कोई भी दशा हो, तो बहुत लाभ होता है। परंतु यदि शुक्र कहीं नीच हो जाएं, तो नुकसान भी अलग तरीके से कर देते हैं, जिसमें कि हमारे प्यार मोहब्बत फैमिली का नुकसान अधिक होता है। आज मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूँ, इससे आपके रिश्ते अपने कस्टमर से, अपने पार्टनर से, अपने परिवार से, अपने बॉस से बहुत मधुर होंगे, जिससे आप तरक्की करते हैं। देखिए, दही का प्राइवेट पार्ट्स दही से धोना शुरू कीजिए और अगले 8 दिन तक यानी अगले शुक्रवार तक करते रहिए, और दही का दान अगले शुक्रवार तक सभी करते रहें। इससे विशेष रूप से लाभ होगा। भूल जाइए कि आप पे शुक्र चल रहा है या नहीं, भूल जाइए आप पे शुक्र नीच है या नहीं। वैसे जब शुक्र नीच के होते हैं तो कई लोगों का अंगूठा, पैर का हो या हाथ का, बिना वजह दर्द होने लगता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, सेक्स या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ज़्यादातर बढ़ता है, माँ के, पत्नी के या खुद के टांगों में दर्द होने लगता है, गुप्त रोग हो जाते हैं। तो इन सब से ये ठीक होता है, ये कीजिए, आपको बहुत तेज़ी से लाभ होगा, तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मिलते हैं कल अगली वीडियो के रूप में। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओह।